अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन एक्सपर्ट। आई एम मायुष उस्मान एंड आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल थिंग रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज लाइक टेंसेस, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड मच मोर, ईच एंड एवरीथिंग। एंड सो रिसेंटली हम टेंसेस सीख रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के टू पार्ट समझा दिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड जो कल हमने टेंस पढ़ा था वो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आज जो टेंस मैं आपको सिखाऊंगी वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट, कि कोई भी काम जो माजी में शुरू हुआ हो, मतलब काम कल शुरू हुआ है, विच हैज़ रिसेंटली बीन कम्प्लीटेड और कॉन्टिन्यूस इन प्रेजेंट। कल काम शुरू हुआ है और आज वो कम्प्लीट हुआ है या कॉन्टिन्यूस है अभी भी, ठीक है? प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, तो प्रेजेंट में कम्प्लीट हुआ है या अभी भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है? इसमें जो इसका जो वर्ब होता है वो एंड होता है डी या ई डी से, ठीक है? ये मैं आपको ये चीज़ बाद में समझाऊँगी। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं हैज एंड हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हेल्पिंग वर्ब ये हैं हैज हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें सिंगुलर के साथ ही शी इट के साथ हम हैज यूज करते हैं एंड प्लूरल्स के साथ हम वी यू दे के साथ हम हैव यूज करते हैं, ठीक है? इसकी एग्जांपल्स क्या है? ये सारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसकी एग्जांपल क्या है? ही हैज ईटन राइस, ठीक है? आई हैव गॉन टू माय, ये ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ठीक है? ये वर्ब की फॉर्म्स हैं जो चेंज हो जाती हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है? वी हैव प्लेड क्रिकेट, ये जो ई डी एंड डी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे डी यूज़ होगा वहाँ पे हम डी यूज़ करेंगे एंड जहाँ पे ई डी यूज़ होगा वहाँ पे हम ई डी यूज़ करेंगे। और ये एन जो है वो ये ईटन है, ठीक है? ही हैज़ ईटन राइस, आई हैव गॉन टू मार्केट, वी हैव प्लेड क्रिकेट। ये इसका स्ट्रक्चर और ये इसके सिंपल सेंटेंस हो गए, ठीक है? अच्छा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही, ठीक है? काम कर रहा है, ही सब्जेक्ट है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी तरह आप इसका सिर्फ स्ट्रक्चर सीख लें तो आपको पूरा टेंस याद हो जाएगा। ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है हैज एंड हैव, और वर्ब की फॉर्म आ जाती है ईटन, और ऑब्जेक्ट जो है वो है राइस। राइस पे बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट क्या है? राइस है। इसी तरह मार्केट, क्रिकेट, ठीक है? आई सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है इसमें। इसके नेगेटिव में क्या हम करेंगे? हैज एंड हैव के साथ हम नॉट यूज करेंगे। ही हैज नॉट ईटन राइस, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव इसका बहुत सिंपल है। एंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कि हम जो हेल्पिंग वर्ब हैं हैज एंड हैव उनको हम स्टार्ट में ले आते हैं। हैज ही ईटन राइस, हैव आई गॉन टू मार्केट, हैव वी प्लेड क्रिकेट। सो ये था हमारा शॉर्ट सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई एम श्योर कि आपको इस टेंस की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं भी आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है? मैं आपको उसको भी आसानी से समझाने की कोशिश करूँगी। सो अभी हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है? जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है। सो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।